नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी के कई सारे सुपरस्टार हैं जो अपने कारनामों से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाए हैं और उनकी चर्चा पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा देश के अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर भोजपुरी के कई सारे दिग्गज, जिसमें कि खेसारी लाल यादव, रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी चर्चा हमेशा होती रहती है। चाहे वो बिग बॉस की बात आती हो, चाहे वो कपिल शर्मा शो की बात आती हो, चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति की बात होती है, यानी कि देश के बड़े स्तर, बड़े प्लेटफॉर्म पर जो इवेंट्स, जो शोज ऑर्गेनाइज होते हैं, उसमें भोजपुरी इंडस्ट्री की चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है। और ऐसे ही चर्चा एक बार फिर से हुआ है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। जी हाँ, बात करें तो अमिताभ बच्चन जिस शो को होस्ट करते हैं कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है और लगातार सोनी टीवी पर इसको टेलीकास्ट किया जा रहा था, तो इसमें स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस में बॉलीवुड के बड़े ही मशहूर सिंह जो एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो पंकज त्रिपाठी से अमिताभ बच्चन ने एक सवाल किया और वो सवाल जो था वो भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था और सवाल ये था कि हु इज़ द एक्टर एंड सिंगर टर्न्ड पॉलिटिशियन, यानी कि वो कौन से अभिनेता है, या फिर जो हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो अभिनेता व गायक से राजनीति की ओर रुख करने वाले वह व्यक्ति कौन है, जिसमें से चार भोजपुरी दिग्गजों का नाम रखा गया है। पवन सिंह का नाम रखा गया है, रवि किशन का नाम रखा गया है, दिनेश लाल यादव का नाम रखा गया है, और चौथा जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव का अब नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि खेसारी लाल यादव जो है अभिनेता तो है, गायक तो है, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन अभी तक नहीं किए हैं। दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, रवि किशन ज्वाइन तो किए हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव जब ज्वाइन नहीं किए हैं तो इनका नाम जो है वो क्यों आया है। लेकिन सवाल ये है कि अभिनेता व गायक से, यानी कि अभिनेता और गायक के बाद उन्होंने राजनीति में ज्वाइन किया है, जिसका ऑप्शन डी यानी सी है, जो कि दिनेश लाल यादव है, लेकिन इसमें खेसारी लाल यादव का नाम आना अपने आप में एक रोमांचित है, और जो टीम है वो खेसारी लाल यादव का नाम लेना नहीं भूल पाई, क्योंकि वो पॉलिटिशियन भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी नाम आया है। तो अपने आप में कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और भोजपुरी का जो मान सम्मान है वो अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर जब देखने को मिलता है तो ये बड़ा ही खुशी महसूस होता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।